बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने स्प्रेडशीट क्या होती है और किसी भी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर में कौन कौन से बेसिक फीचर्स होते हैं इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम आपको स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के इंटरफेस से फेमिलियर करवाएंगे, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए उसके इंटरफेस से फेमिलियर होना उतना ही जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो होता है उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI, जो कि यूजर को उस सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करवाता है, ताकि यूजर उस GUI के थ्रू उस सॉफ्टवेयर से अपना काम परफॉर्म करवा सके। और जितना भी किसी भी सॉफ्टवेयर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छा होगा, आसान होगा, उतना ही यूजर के लिए उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना भी आसान होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही स्प्रेडशीट के भी कई तरह के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके अलग अलग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मौजूद होंगे। लेकिन उन तमाम स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर्स में जिस सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा GUI है, सबसे सिंपल GUI है, जिसको यूजर के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आपको टेबल्स दिख रहे होते हैं, उसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं, उन बटन्स पर आप क्लिक कर सकते हैं, माउस को यूज कर सकते हैं, माउस के जरिए ड्रैग एंड ड्रॉप के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, आपको पिक्चर्स दिख रही होती हैं, चार्ट दिख रहे होते हैं। और MS Excel इसीलिए सबसे अच्छा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये यूजर को एक इंटरैक्टिव GUI प्रोवाइड करता है, यूजर के लिए इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। तो फ्रेंड्स, आज से हम MS Excel, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए आपको स्प्रेडशीट्स बनाना, उस पर काम करना सिखाएंगे। दोस्तों, MS Excel माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है, और इसके कई वर्जन्स अब तक आ चुके हैं, जैसे MS Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019, और हर एक नए वर्जन में कुछ और फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी जाती हैं, इसको मजीद इंटरैक्टिव और आसान बनाया जाता है। और यहाँ हम MS Excel 2016 पर काम करना आपको सिखाएंगे, जो पुराने सभी वर्जन से ज्यादा एडवांस है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को रोज एंड कॉलम्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस तरह MS Word में आप डॉक्यूमेंट में मौजूद पेजेस पर काम करते थे, और हर एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस मौजूद होते थे, यानी एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस पर मुश्तमिल होता था, बिल्कुल ऐसे ही MS Excel में डॉक्यूमेंट की जगह वर्कबुक होती है, और हर एक वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट्स पर मुश्तमिल होती है, और वर्कशीट्स को आमतौर पर शीट्स भी कहा जाता है। यानी आप स्प्रेडशीट के अंदर शीट्स पर काम करते हैं, जैसे MS Word में आप पेजेस पर काम करते थे, और जब बहुत सारे पेजेस मिल जाते थे तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता था, बिल्कुल ऐसे ही इसमें जब बहुत सारी वर्कशीट्स मिल जाती हैं तो वो वर्कबुक बनाती हैं। दोस्तों, MS Excel का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें आपको कई तरह के बार नजर आ रहे हैं, जो कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल बार, मेन्यू बार, तो इसमें जो सबसे टॉप पर बार है वो कहलाता है टाइटल बार, जिसमें वर्कबुक का नेम होता है, और कुछ कंट्रोल बटन्स होते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन्स वगैरह आपको इस पर नजर आ रहे होते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको जो बार नजर आ रहा है वो कहलाता है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में आपको कई तरह के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, आप जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, एक मेन्यू खुल जाएगा, और इसीलिए इसको मेन्यू बार कहा जाता है। यानी अगर आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो इसका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा, तो इसीलिए इसको मेन्यू बार कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है वो है टूल बार, तो इसमें एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स में ये स्टैंडर्ड टूल बार नजर आएगा, जिसमें अंडू, रीडू, कट पेस्ट के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इसके अलावा एक और बार है, जो कि फॉर्मेटिंग टूल बार होगा, जिसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, यानी आप सेल्स में मौजूद डेटा पर क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट पर, नंबर्स पर,
बोल्ड कर सकते हैं, उनको इटैलिक बना सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट से रिलेटेड, कट पेस्ट वगैरह से रिलेटेड, यानी टेक्स्ट मैनिपुलेशन के तमाम फंक्शंस आपको इस फॉर्मेटिंग टूल बार के जरिए आप परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके नीचे आपको नजर आएगा फॉर्मूला बार। दोस्तों ये जो बार है यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार के बिल्कुल नीचे, ये कहलाता है फॉर्मूला बार। इसमें आपने जो भी सेल सिलेक्ट किया होगा उसका फॉर्मूला शो होगा और उस सेल का डाटा और वैल्यूज शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक एक्टिव सेल है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है या फिर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला बार में भी नजर आएगा। इसके अलावा स्क्रॉल बार जो कि आपको राइट साइड पर नजर आ रहा होगा, और यहाँ नीचे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार नजर आएगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नजर आएगा। तो दोस्तों वर्टिकल स्क्रॉल बार के जरिए आप अपनी वर्कशीट को वर्टिकली ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जरिए आप अपनी वर्कशीट को दाएं और बाएं मूव करवा सकते हैं। यहाँ अगर कोई बॉक्सेस जो है, अगर आपका डाटा कोई इस तरफ होगा तो वो आप इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जरिए आगे पीछे मूव करवा के देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे नीचे आपको स्टेटस बार नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये सेल लिखा हुआ है, ये आपको स्टेटस बार नजर आ रहा होगा जिसमें आपकी शीट से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस शीट पर काम कर रहे हैं तो जो भी इस शीट से रिलेटेड, अभी यहाँ पर कोई चीज नहीं है तो अभी आपको यहाँ पर स्टेटस बार में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आपकी शीट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद आपको बीच में एक विंडो नजर आ रही है, ये जो आपको ये चीज नजर आ रही है ये कहलाती है वर्कशीट विंडो, जिस पर आप अपना काम करते हैं। और इस वर्कशीट विंडोज में आपको ये कॉलम्स, ये इस तरह की वर्टिकल लाइंस और इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं, और जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो ये बनाती हैं सेल्स। तो दोस्तों ये जो आपकी वर्कशीट विंडो है ये बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा आपको सेल के अंदर, सेल जो कि रोज एंड कॉलम से मिलकर बना है, तो कॉलम्स के हेडर्स नजर आ रहे होंगे, यानी इसमें हर एक कॉलम को एक नेम दिया जाता है जो कि ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट पर मुश्तमिल होता है, और ये नेम दरअसल कहलाते हैं कॉलम हेडर्स। बिल्कुल ऐसे ही रोज हेडर्स भी होते हैं जिसके अंदर हर एक रो को एक नेम असाइन किया जाता है जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, और वो कहलाते हैं रो हेडर जो कि रोज के नेम्स होते हैं। इसके अलावा शीट टैब्स या फिर वर्कशीट टैब जिसको हम कहते हैं, दोस्तों ये जो टैब है ये कहलाता है वर्कशीट टैब, जिसमें एक वर्कबुक में जितनी वर्कशीट्स होंगी वो टैब्स की शक्ल में यहाँ मौजूद होंगी, और जिस भी शीट पर, जिस भी वर्कशीट पर आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी, यानी वो इस वक्त आपकी एक्टिव शीट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी एक वर्कबुक में तीन वर्कशीट्स मौजूद हैं, शीट वन, शीट टू और शीट थ्री के नाम से, और अगर आप इनमें से जिस भी वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही वर्कशीट एक्टिव हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर शीट वन एक्टिव हुई भी है। दोस्तों इसके बाद है सेल एड्रेस। दोस्तों सेल एड्रेस आमतौर पर कॉलम और रोज के नेम पर रखा जाता है, और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल है ये वाला सेल, तो इस सेल का जो नेम है वो इसके कॉलम्स और रोज से मिलकर बनेगा, यानी अगर ये कॉलम ए और रो वन के जरिए ये एक सेल बना है तो इसका जो नेम होगा वो होगा ए वन, पहले नाम आएगा कॉलम का, उसके बाद आएगा रो का नेम। इसी तरीके से आप जो भी सेल देखेंगे वो रो और कॉलम के नेम से मिलकर बना होगा। तो दोस्तों ये तमाम फीचर्स आपको आपके स्प्रेडशीट के, एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के अंदर के जीयूआई इंटरफेस में आपको नजर आएंगे। अब आइए इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। दोस्तों एमएस एक्सेल को अपने कंप्यूटर में ओपन करने के लिए आप सबसे पहले सर्च बार में लिखेंगे एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे तो अगर आपके कंप्यूटर में ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा तो आपके सामने ये ऐप लिखी हुई आ जाएगी। आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन होते ही आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे जैसे कि न्यू, रीसेंट, ओपन। तो इन ऑप्शंस के थ्रू अगर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक खुलेगी जिसमें आपको स्टार्ट से काम करना होगा। इसी तरीके से रीसेंट के अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप पहले से बना चुके होंगे, और अगर आप उन पर दोबारा काम करना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उन पर क्लिक करके उनको ओपन करके काम कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने बहुत पहले कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, कोई वर्कबुक बनाई है और उनके अंदर आप काम करना चाहते हैं, उनको ओपन करके कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो इस ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन तमाम वर्कबुक्स को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम आपको एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस न्यू के ऑप्शन के नीचे ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एमएस एक्सेल की का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले सबसे टॉप पर एक बार नजर आ रहा होगा विच इज द टाइटल बार, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बुक वन। दोस्तों याद रखिए, अभी हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट्स होंगी वो बुक्स के नेम से होंगी, यानी वर्कबुक की शक्ल में होंगी और एक वर्कबुक मल्टीपल शीट्स पर मुश्तमिल होगी, यानी मल्टीपल वर्कशीट्स पर मुश्तमिल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एक्सेल का वर्कबुक का नेम है वो होगा, और इसके अलावा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कुछ कंट्रोल बटन होंगे, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इसके नीचे आपको एक और बार नजर आ रहा होगा विच इज अ मेन्यू बार, जिसके अंदर आपको कई तरह के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपने इस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, अपनी वर्कबुक को ओपन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने जो मेन्यू ओपन होगा वो आपके होम के बटन के नीचे जो मेन्यू होगा वो ओपन हुआ हुआ होगा, जिसके अंदर आपको फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, नंबर्स वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। दोस्तों इसको मेन्यू बार इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक एमएस एक्सेल का एक नया फीचर ऐड किया गया है विच इज टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, जिसके अंदर आप जो भी ऑप्शन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा कि फॉर्मूला का ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है, तो आप जस्ट लिखेंगे फॉर्मूला, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू के अंदर फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस इस एमएस एक्सेल में मौजूद होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चार्ट्स लिखेंगे तो चार्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे, विच मींस कि इसमें एमएस एक्सेल अगर आपको यूज करना नहीं भी आता तो इस ऑप्शन के जरिए आप इसके तरह तरह के ऑप्शंस के अंदर तरह तरह के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे आपको एक और बार नजर आ रहा है विच इज अ फॉर्मूला बार, जिसके अंदर आप जो भी फॉर्मूला अपने इस वर्कशीट के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो आपको नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ A1 + B1, तो ये एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, तो आपको ये फॉर्मूला इस अब फॉर्मूला बार में भी नजर आ रहा होगा। दोस्तों इसके अलावा इसके बराबर में आपको एक और बार नजर आ रहा है विच इज अ एड्रेस बार, यानी जो भी आपका एक्टिव सेल होगा, जिस पर भी आपका कर्सर मौजूद होगा, उस सेल का एड्रेस आपको इस बार के अंदर यानी नेम बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये जो तमाम ए से लेकर और टिल जेड तक आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं कॉलम्स, जिनका जो कॉलम हेडर है वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ए से लेकर जेड तक में, और यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रही है ये कहलाती हैं रोज, जो कि जिनको असाइन किए जाते हैं नंबर्स। दोस्तों याद रखिए कॉलम्स को असाइन किए जाते हैं अल्फाबेट्स और रोज को असाइन किए जाते हैं नंबर्स, और कॉलम और रोज जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये बनाती हैं सेल्स, और दोस्तों ये दरअसल सेल ही होते हैं जिसके अंदर एक्सेल के अंदर हम दरअसल सेल्स के अंदर ही डाटा को इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर एक वर्टिकल बार नजर आ रहा होगा जो कहलाता है रॉ बार, यानी रॉ स्क्रॉलिंग बार, यानी अगर आप रॉस को ऊपर नीचे करके देखना चाहते हैं तो आप इस वर्टिकल स्क्रॉल बार को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब इसको स्क्रॉल करेंगे, और ये जो बार है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल बार, जो कि कॉलम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक वर्कशीट टैब नजर आ रहा है जिसके अंदर जितनी भी वर्कशीट्स आपकी इस वर्कबुक में मौजूद होंगी वो टैब्स की शक्ल में आपको नजर आ रही होंगी, और इस प्लस का साइन के जरिए आप इसमें मजीद वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये जो आपको बार नजर आ रहा है ये कहलाता है स्टेटस बार, इसमें आप जो भी काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेडी, लेकिन अगर मैं किसी सेल में कोई चीज इंसर्ट करूंगी तो आप देखेंगे कि अब आपके स्टेटस बार के अंदर जो स्टेटस है अब इसका स्टेटस है एंटर का, यानी आप जो है वो सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को
एंटर कर रहे हैं। जब आपने इंफॉर्मेशन एंटर कर दी, अब जो इसका स्टेटस है वो रेडी हो गया है। तो दोस्तों इट मींस के इसके अंदर आपकी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आपको साइट पर जो है वो एक और बार नजर आ रहा है, विच इज अ जूम बार, जिसके जरिए आप अपनी वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एमएस एक्सेल का इंटरफेस, जिसके अंदर हम आपको मजीद चीजें, मजीद काम करना सिखाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी बेसिक्स सिखाएंगे, यानी आप वर्कशीट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जो बेसिक्स होती हैं वर्कशीट्स की उसकी डिटेल्स आपको फराहम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।